नमस्कार मित्र, स्टडी फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। पाठ्यजन क्रमांक 28, तिथि 25/7/2022, कक्षा 10, विषय हिंदी, विषय व्याकरण, क्लास वाली, अवधि 45 मिनट, दिन सोमवार। छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका अपना नाम लिखेंगे। विद्यालय राजकीय मध्य विद्यालय तितिरा, जीरा दही। प्रकरण है समास। पहला उद्देश्य बच्चों में हिंदी व्याकरण प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति का विकास करना। तीसरा है छात्र छात्राओं को धारा प्रवाह गति शुद्ध उच्चारण सहित वाचन कराना सिखाना। चौथा बच्चों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य में पहला छात्र समाज से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, विद्यार्थी समाज का उदाहरण के माध्यम से समझ सकेंगे। तीसरा बच्चे समास के उदाहरण को बता सकेंगे। चौथा छात्र छात्राएं शब्दों का अर्थ को समझ सकेंगे। सहायक शिक्षण सामग्री में चौक, डस्टर, संकेतक आदि। शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी को पहले से समास के बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त है। प्रस्तावना प्रश्न, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक की विद्यार्थी की 3 कलम बनाएंगे। पहला प्रश्न है पृथ्वी के ऊपर क्या है, तो आसमान। दूसरा प्रश्न आसमान का रंग कैसा है, तो नीला। तीसरा प्रश्न नीला है जो कमल मिलकर क्या होगा, नील कमल। चौथा प्रश्न नील कमल के शब्दों को किस प्रक्रिया के द्वारा छोटा किया जाता है, किया गया है, तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग समास के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, बाल विद्या में शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, शिक्षण बिंदु समास, अर्थ एवं परिभाषा, विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है समास का अर्थ क्या होता है। दूसरा प्रश्न समास की परिभाषा बताइए। विद्यार्थी अनुक्रिया, शिक्षण विधि एवं श्यामपट्ट कार्य। समास का अर्थ क्या होता है, तो विद्यार्थी मौन हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न समास की परिभाषा बताइए, तो मौन हो जाएंगे। शिक्षण विधि है प्रश्नोत्तर विधि। श्यामपट्ट कार्य में समस्त पद को तोड़कर उसे पूर्व रूप में लाना विग्रह कहलाता है। जैसे राजा का पुत्र का विग्रह होगा, राजा का पुत्र। समास का परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास शब्द सम उपसर्ग लगाकर, अस का अर्थ होता है फेंकना, धातु से बना है। जैसे में सभापति बराबर सभा का पति अर्थात मुख्य। श्री कामता प्रसाद गुरु ने गुरु के अनुसार दो दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या दो से अधिक शब्दों से जो स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को समासिक शब्द कहते हैं, और उन दो या दो से अधिक शब्दों का संयोग होता है वह समास कहलाता है। शिक्षण बिंदु है समास व्याख्या। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि है शिक्षण विधि है प्रश्नोत्तर व्याख्यान विधि। समास और संधि में अंतर। समास दो पदों का होता है जबकि संधि वर्णों की होती है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं जबकि समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का प्रमुख प्रयोजन है।
समास के संबंध में निम्न बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहला, समास में दो या दो से अधिक पद एक पद हो जाते हैं, अतः समास कम से कम दो अथवा इससे अधिक पदों का भी हो सकता है। समास द्वारा परस्पर संयुक्त होने वाले पदों की विभक्ति प्रत्यय यानी संस्कृत में, हिंदी में विभक्ति चिन्ह परसर्ग लुप्त हो जाता है। समासिक पदों में संधि की आवश्यकता होने पर संधि अवश्य होती है। पुनरावृत्ति प्रश्न छात्र अध्यापक क्रिया का पहला प्रश्न समास शब्द का अर्थ क्या होता है। दूसरा प्रश्न समास से आप क्या समझते हैं। तीसरा प्रश्न समास का मुख्य प्रयोजन क्या है। गृह कार्य में पहला प्रश्न समास शब्द का अर्थ क्या होता है। दूसरा समास से आप क्या समझते हैं। तीसरा समास का मुख्य प्रयोजन क्या है। नीचे छात्र अध्यापक का हस्ताक्षर, दाहिनी ओर पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर। विद्यार्थी अनुक्रिया में समाज का क्या अर्थ होता है। तो समाज शब्द का अर्थ है संक्षिप्त। दूसरा समाज का मुख्य प्रयोजन, समाज से आप क्या समझते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मिलकर सार्थक शब्द को समाज कहते हैं। तीसरा प्रश्न समाज का मुख्य प्रयोजन क्या है। तो समाज का मुख्य प्रयोजन है संक्षिप्त तथा समास का मुख्य प्रयोजन है। प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर कराएंगे। इस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।